नमस्कार, मैं राम मुरारी। आज हम लोग बक्सर में हैं। ये बक्सर का कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में महत्वपूर्ण इस मामले में है कि इसे अंग्रेज कब्रिस्तान बोलते हैं। अंग्रेज कब्रिस्तान मतलब कि जिस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, वो उनका कब्रिस्तान है। यहाँ पे उनके परिवार के लोग, उनके सैनिक दफन हैं यहाँ पर। और ये देख ही रहे हैं आप इसकी हालत कितना उपेक्षित पड़ा है। ये भी एक बक्सर की धरोहर ही कही जाएगी। ठीक है कि ये हमारी गुलामी का प्रतीक है, ये बताते हैं कि हम कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, ये कब्रिस्तान बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन है ये धरोहर ही। ये भी एक बक्सर के ऐतिहासिक पहचान व्याख्यायित करती है और परिभाषित करती है। बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान में 1764 में जो युद्ध हुआ था, बक्सर का जो मशहूर ऐतिहासिक युद्ध जिसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर कायम हुई, उसमें भी मारे गए सैनिक यहाँ दफन हैं। आपको अगर बाद बाद देखेंगे तो बाद बाद उन्होंने दिखाया है कतकौली का कुआँ। उस कुएँ में सिपाहियों की लाशें फेंकी गई थी, वो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनकी लाशें दफन। वो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, वो कतकौली में। यहाँ बताते हैं लोग कि 1764 के जो मारे गए सिपाही थे वो यहाँ दफन हैं, अंग्रेज सिपाही जो थे सत्ता के वो दफन है। और उसके बाद भी अंग्रेजी अफसर, अंग्रेजी अफसरों के परिवार के लोग जो डेथ हुए, मरे, उनकी लाशें यहाँ पे दफनाई गई। हालांकि हम लोगों ने बहुत कुछ खोजा, आपको भी दिखाएंगे। 1764 की कोई कब्र नहीं दिखी। 1864 दिखा है, 1858 दिखा है, 1904 दिखा है, लेकिन 1764 की कोई कब्र नहीं दिखी। तो इससे हमें लगता है कि शायद 1764 में यहाँ किसी को नहीं दफनाया गया। चूँकि एक चीज़ ये भी है कि 1764 में भी बक्सर में अंग्रेजों का उस लड़ाई के बाद ही, उस युद्ध में विजय के बाद ही अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत स्थापित हुई। ये उसके बाद ही, जब यहाँ पर कब्जा हो गया, जब यहाँ उनकी छावनी बन गई, यहाँ पर उनका शासन चलने लगा, तब जा करके इससे पूरे एरिए को, आप थोड़ा सा इधर भी दिखला दीजिए, पूरे एरिए को अंग्रेज कब्रिस्तान के रूप में डेवलप किया गया। हालांकि ये अभी देखिए कितना झाड़ झंखा उपेक्षित पड़ा हुआ है, बहुत सारी गंदगी है। कई बार कहा गया कि नहीं, इसको दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, साफ़ सफाई कराया जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आइए हम इसको देखते हैं। और हमारे साथ हैं पंकज जी, हैं स्थानीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सरोकारी पत्रकार हैं। उन्होंने इस अंग्रेज कब्रिस्तान पर कई बार खबर लिखी भी है अपने अखबार के लिए, तो हम उनसे भी बात करेंगे। उनकी जो जानकारी होगी वो भी आपसे साझा करेंगे और आपको यहाँ के कब्रों को भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं कुछ इधर भी। ये बड़ा कब्रिस्तान है, कोई छोटा कब्रिस्तान है नहीं, बड़ा कब्रिस्तान है। ये देखिए, ये कब की कब्र है, ये 1868 महज 68 की, 52 में जन्म है, मैंने बच्चा है, छोटे से बच्चे की, 16 साल के बच्चे की, युवक की। इस तरह से बहुत सारी कब्रें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये है, ये 1847 की कब्र ध्वस्त है, इसका जो फूट गया है इसी का लग रहा है। ये 1829 है, ये अंग्रेज कब्रिस्तान है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सत्ता जो है बक्सर से शुरू होता है 1764 के युद्ध से, तो उसके बाद जब यहाँ अंग्रेज ऑफिसर और सिपाही, उनके तमाम व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तो उनका यहाँ पर जो है उनके परिजन में एक मेजर भी दफनाए गए हैं। कई सिपाहियों का यहाँ आपको मिलेगा, एक बच्चे का भी इसमें आपको कब्र मिलेगा। 1858 है, 59 है, ये जो आप सामने देख रहे हैं 1933 की दिख रही है, एक 36 की भी कब्र है। यहाँ 1857 की भी जो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह से युद्ध वगैरह हुआ, या बक्सर से भी जो उनका कहीं नाम दर्ज नहीं है, इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, छोटे छोटे स्तर से जो लोग लड़े हैं 1857 के युद्ध में, अपनी भूमिका निभाए हैं, उस पीरियड में जो मारे गए सिपाही और मेजर वगैरह तमाम जो लोग रहे हैं यहाँ दफनाए गए हैं। उसके बाद आज़ादी तक जो रहे अंग्रेज यहाँ दफनाए गए हैं। और इससे बाद में ये हुआ कि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब तक तो स्थानीय लोग इस चीज़ को समझते थे कि भाई इसमें जब दफनाए जाते थे तो सिपाही जब दफनाए जाते थे तो उसमें मेडल उनके साथ रहता था, सोने का मेडल। तो उस फिराक में कि कब्र खोनेंगे तो उसमें सोना वगैरह आभूषण उनको मिले, और इस फिराक में कई कब्रों को फोड़ दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, कभी भी बहुत सारे कब्र आपको टूटे फूटे और बिखरे पड़े मिलेंगे।
और इस तरह से एक निशानी है हिंदुस्तान में, बक्सर में ख़ास तौर से अंग्रेज़ों की निशानी है ये। पिछले दफ़ा कई बार सैलानी भी यहाँ आते हैं, ब्रिटिश सैलानी जब भी आए हैं बक्सर में तो इस अंग्रेज़ कब्रिस्तान को देखने के लिए ज़रूर आए, और दुखी भी होते हैं कि भाई हमारे पुरखे हैं और पुरखों का ये कब्रिस्तान है। तो चाहिए सरकार, शासन प्रशासन की तरफ से कोई पहल कभी हुई है कि नहीं? अब तक कोई पहल नहीं हुई है। हम लोग यह कोशिश करते हैं कि सरकार का ध्यान इस पर जाए, प्रशासन का ध्यान इस पर जाए और इसको संरक्षित किया जाए। ये सही बात है कि यह गुलामी का एक प्रतीक के रूप में है कि भाई यहाँ अंग्रेज रहे हैं, लेकिन यह भी है कि एक इतिहास के नज़रिए से जब देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। वैसे तो ये कब्रिस्तान अंग्रेज कब्रिस्तान के रूप में मशहूर है, लेकिन अगर इस कब्रिस्तान का स्थापत्य को ध्यान से देखें तो लगता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही इसका अस्तित्व रहा है। उनका जब देखिए, अगर इसके गुंबदों को देखें तो यह पश्चात शैली की बनावट नहीं लगती है। यह बनावट संभवतः मुगलकालीन या शेर शाह के सूरी के दौर की लगती है। ज़्यादा संभावना शेर शाह सूरी के दौर की ही है, क्योंकि शेर शाह सूरी का वर्चस्व इस क्षेत्र में रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यह कब्रिस्तान पहले से ही अस्तित्व में रहा हो, और अंग्रेज जब यहाँ पर अपनी हुकूमत स्थापित कर ले, जब यहाँ रहने लगे, तो उन्होंने इसे अपना कब्रिस्तान बना लिया। बहरहाल जो भी हो, इसके बारे में जो इतिहासकार होंगे उनसे अगर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे किसी से बात हो तो अगर वो कुछ प्रकाश कुछ डालेंगे बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको थोड़ा सा और संरक्षित करने की ज़रूरत है, एक निशानी इसको साफ सफाई प्रशासन को चाहिए कि इसको थोड़ा सा ध्यान दे। आइए देखते हैं और कुछ कब्रों को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए पंकज जी, आप खुद इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, ये जो शैली है ये अंग्रेज शैली है, ये पाश्चात्य शैली है, लेकिन वो जो सामने देखिए, ये अभी जो पीछे हम लोग देख रहे थे, ये पाश्चात्य शैली नहीं है, ये यूरोपियन शैली के बनावट नहीं है, मुझे जो लगता है। हाँ, बिल्कुल यूरोपियन शैली नहीं है। हम और लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे, इतिहासकारों से जब बात होगी तो बातें और स्पष्ट होंगी। बढ़ते रहे, ये 1865 का है। तो यहाँ से ये कब्र देखिए किस तरह से, इसको ये 1846-40 है ना, मिट गया है। लेकिन इसको देखिए, इस कब्र को किस तरह से चोरों ने नीचे से कोड़ा है ताकि इसमें से कुछ वो ये बच्चे का है, ये बच्चे का कब्र है, 5 महीने 28 दिन वो भी बच्चे का ही है, किसी बड़े अधिकारी की कब्र है, ये भी कोड़ दी गई है। ये बड़ा कब्रिस्तान रहा उस समय का, और अभी का हालात देखिए, कूड़ा अगर फेंका जा रहा है, एकदम गंदगी क्या, और इसमें कूड़ा फेंका जा रहा है, पूरी तरह से गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, असामाजिक तत्व इसमें विचरण करते हैं, ज़्यादा गंदगी है, लोग लगातार फेंकते आ रहे हैं, और इस पर यदि रोक नहीं लगाया जाए, तो प्रशासन यहाँ रोक नहीं लगाए इन तमाम चीज़ों पर, तो फिर एक इतिहास और एक यादें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो तो प्रशासन को चाहिए कि इसको संरक्षित करें, इस प्रशासन से यह हम लोगों का आग्रह भी है इस चैनल के माध्यम से कि प्रशासन इस चीज़ को समझें और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें, इसका सौंदर्यीकरण करें। तो दरअसल बक्सर में जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान है, जिसे हम लोग बक्सर के अंग्रेज कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में 2-3 चीज़ें मूलतः मेरी समझ में आती हैं। मैं 2-3 बार जा भी चुका हूँ वहाँ पर। एक बार मैं तब गया था जब ये खबर बहुत जोरों पर थी, और सही भी खबर थी कि कुछ कब्रों को खोद के वहाँ से कुछ मेडल्स वगैरह निकाले गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ मतलब खबर ये प्रकाश में आई थी, तो मैं गया था वहाँ। मुझे वहाँ जाकर देखने पर जो चीज़ महसूस हुई वो ये कि एक तो ये कि ये मतलब ऐतिहासिक रूप से तो महत्वपूर्ण चीज़ है ही,
लेकिन कब का इतिहास है, क्या है, उसमें दो तीन चीज़ें मुझे लगी। पहली तो ये कि 1764 से जो लोग जोड़ के देखते हैं और कहते हैं कि ये उसी समय की बात है, उसी समय से ये था, तो इस तरह की मुझे बहुत सी चीज़ें वहाँ नहीं मिली कि मैं 1764 से जोड़ के कोरिलेट कर सकूं कि उसी समय से वहाँ अंग्रेज़ों की कब्र वहाँ बनाई गई थी। तो एक तो चीज़ ये लगी मुझे। दूसरी कि ज़रूर 1857 के आसपास कि कुछ कब्रें हैं, उनकी डेट्स भी हैं, तो हम लोग 1857 के आसपास इसे मान सकते हैं। लेकिन वे बनवाई कब गई, बनी कब थी, तो उसे उसके स्थापत्य को देखने से लगता है कि ये अंग्रेज़ों से कुछ पहले का बना हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसका उपयोग मुगलिया सल्तनत के समय भी, या जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों से पहले थी उस समय में भी कब्रिस्तान के रूप में यूज होता रहा हो। बाद में जब अंग्रेज़ों का पजेशन हुआ, कब्जा हुआ, 1764 की लड़ाई के बाद इधर भी अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ा, तो मे बी कि उस समय वहाँ अंग्रेज उसे उपयोग में लाने लगे होंगे, अगर ऐसा हुआ होगा तो। तो एक तो ये है कि वहाँ मेडल्स मिले, दूसरी उसके काल को लेकर के है, मुगल काल के समय का है या अंग्रेज़ों के समय का है, और तीसरी ये है कि अभी वो जिस बदहाली की अवस्था में है उसे मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा ध्यान दे करके, थोड़ी उसकी साफ़ सफाई करने के बाद, हम किसी प्रतीक को नहीं बचाने जा रहे, हम अंग्रेज़ों की निशानी नहीं बचा रहे, हम उनके कब्रिस्तान नहीं बचा रहे, हम अपने हार जीत की प्रतीक, हम हार जीत की कोई कहानी नहीं उसको बचाने जा रहे, लेकिन इतिहास को ज़रूर संरक्षित किया जाना चाहिए, इतिहास के संदर्भों को समेटा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस पर और काम किए जाने की ज़रूरत है कि कुछ सही संदर्भ, उसके सही परिप्रेक्ष्य सामने आ सके। तो आपने देखा ये अंग्रेज कब्रिस्तान जो बक्सर में है, ये किस तरह से उपेक्षित और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है, ये भी हमारी धरोहर है बक्सर की, ये जो इतिहास में बक्सर की जो जगह है उसकी ये धरोहर है, लेकिन ये धीरे 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 खत्म हो रही है, ये कबाड़ पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, कई बार चोरों ने कब्र को कोड़ दी गहनों के लालच में, तो प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा इस पर ध्यान दे और इसको संरक्षित करें, ताकि यहाँ पे बाहर से जो भी आए या स्थानीय स्तर पर भी ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, और लोगों को अगर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होंगे, और बक्सर की जो एक पहचान है, ऐतिहासिक पहचान, उसमें ये एक नाम और जुड़ेगा, बक्सर के जो पर्यटक स्थल हैं, जो बक्सर के चर्चित पर्यटक स्थल हैं, तो अंग्रेजी शासन में कौन कौन से, तो कतकौली एक हमको याद रहता है, एक ये भी रहेगा, तो यही सब चीज़ें हैं। आगे भी हम आपको बक्सर से जुड़ी और भी जगहों पर ले चलेंगे, दिखाएंगे क्या कैसे हैं और क्या उनको और किया जा सकता है, क्या होना चाहिए। धन्यवाद।